नमस्कार दोस्तों, टीवी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या एक, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था बिंबाजी भोसले। राम टेकरी मंदिर की स्थापना की थी। बिंबाजी भोसले ने राम टेकरी मंदिर की स्थापना की थी। यह प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। प्रश्न संख्या दो, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? इसका आंसर होगा महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे तथा अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर थे। यादव राव दिवाकर अंतिम सूबेदार थे। प्रश्न संख्या तीन, परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, परगना पद्धति की शुरुआत विठल राव दिनकर ने की थी। प्रश्न संख्या चार, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधीक्षक कौन था? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में प्रथम नियुक्त अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे, जो सन 1818 में अधीक्षक बने थे। उसके बाद कैप्टन एगन्यू आए। 1818 से 1825 तक कैप्टन एगन्यू छत्तीसगढ़ में अधीक्षक रहे थे। प्रश्न संख्या पांच, फड़नवीस किससे संबंधित है? फड़नवीस किससे संबंधित है? फड़नवीस जो थे आय व्यय का हिसाब रखते थे तथा पोतदार परगने का खजांची होता था। पोतदार परगने का खजांची होता था। प्रश्न संख्या छह, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को किसने हराया था? इसका आंसर होगा जाजवल्य देव ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। प्रश्न संख्या सात, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बारसूर में। बारसूर में मामा भांजा मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या आठ, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर होगा गोपाल देव। गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि 11वीं शताब्दी 1089 ईस्वी में नागर शैली में निर्मित था। प्रश्न संख्या नौ, मड़वा महल या दुल्हा देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मड़वा महल या दुल्हा देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर होगा रामचंद्र देव ने 14 शताब्दी 1349 में मड़वा महल तथा दुल्हा देव मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 10, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर होगा अन्नम देव ने। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर होगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। प्रश्न संख्या 12, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? यह इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज था, जिन्होंने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 13, रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी में किसने किया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। रतनपुर की स्थापना रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में किया था।
प्रश्न संख्या 14, सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर होगा पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, जिन्होंने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया था, और पृथ्वीदेव प्रथम को ही सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। प्रश्न संख्या 15, जाज्वल्य नगरी जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा जाज्वल्य देव प्रथम ने जाज्वल्यपुर नगर जांजगीर की स्थापना की थी। इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण जांजगीर में कराया था, तथा शिव मंदिर पाली का जीर्णोद्धार भी जाज्वल्य देव प्रथम ने करवाया था। चक्रकोट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को जाज्वल्य देव प्रथम ने ही पराजित किया था। प्रश्न संख्या 16, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया है? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था। प्रश्न संख्या 17, रायपुर शहर की स्थापना किसने की थी? रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव ने 1409 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 18, सरहुल किस जनजाति का नृत्य है? इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, सरहुल किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा उराव जनजाति का नृत्य है। प्रश्न संख्या 19, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? इसका आंसर होगा गोड़ बैगा जनजाति का नृत्य कर्मा नृत्य है। प्रश्न संख्या 20, गौर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गौर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर होगा गौर नृत्य माड़िया जनजाति में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 21, एबाल तोर नृत्य किससे संबंधित है? एबाल तोर नृत्य किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सीधा सीधा उत्तर दिया गया है, एबाल तोर नृत्य मड़ई के अवसर पर मोड़िया घोटूल के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 22, छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा किससे संबंधित है? तो दामाखेड़ा कबीरपंथी से संबंधित है। कुदुरमाल कोरबा में कबीरपंथियों का मेला लगता है। प्रश्न संख्या 23, कुटुम्बसर गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों कुटुम्बसर गुफा जगदलपुर में स्थित है। इसकी खोज भूगोलवेत्ता डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी, और यह भारत की सबसे गहरी गुफा है। सबसे गहरी गुफा कुटुम्बसर गुफा है। यहाँ अंधी मछलियों का निवास स्थान है। प्रश्न संख्या 24, कबरा पहाड़ गुफा कहाँ स्थित है? कबरा पहाड़ गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि प्राचीनतम मानव विकास के प्रमाण भी रायगढ़ में मिले हैं। प्रश्न संख्या 25, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में है? रानीदाह जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय नियाग्रा किसे कहा जाता है? भारतीय नियाग्रा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा चित्रकोट जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा चौड़ा एवं सर्वाधिक जलराशि वाला जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात है, इसीलिए इसको
भारतीय नियाग्रा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि जगदलपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 28। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा नारायणपुर जिला में चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 29। भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा भोरमदेव मंदिर कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। प्रश्न संख्या 30। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। यह गरियाबंद जिले में महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर स्थित है। राजिम स्थित है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31। प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका आंसर होगा जगत पाल ने प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न संख्या 32। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? चंपारण्य है, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 33। सिरपुर का पुराना नाम क्या था? श्रीपुर एवं चित्रांगदपुर था। चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी में महाशिव गुप्त के काल में यहाँ पर भ्रमण किया था। कहाँ? सीपुर में। प्रश्न संख्या 34। सीरपुर में ईटों से बना लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा महारानी वसाटा ने सीरपुर में ईटों से बना लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। प्रश्न संख्या 35। तुरतुरिया किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा महासमुंद में। तुरतुरिया महासमुंद जिले में स्थित है, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है। प्रश्न संख्या 36। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, जहां पर महामाया मंदिर, राम टेकरी मंदिर तथा खुटा घाट बांध स्थित है। प्रश्न संख्या 38। तालागांव कहाँ स्थित है? बिलासपुर के समीप मनियारी नदी के किनारे है। यह प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है तथा रुद्र शिव काल पुरुष की विख्यात प्रतिमा तालागांव में स्थित है। प्रश्न संख्या 39। छत्तीसगढ़ का काशी खरावत को कहा जाता है, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 40। देश का विशालतम गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा के समीप बाड़सूर में स्थित है तथा बाड़सूर में मामा भांजा मंदिर भी स्थापित है। प्रश्न संख्या 41। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च
कहाँ है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कुनकुरी जसपुर जिले में स्थित है। कुनकुरी जसपुर जिले में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। प्रश्न संख्या 42, लुत्रा शरीफ कहाँ स्थित है? लुत्रा शरीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बिलासपुर के समीप मुस्लिम संत हजरत बाबा सईद ईसा की दरगाह है। लुत्रा शरीफ बिलासपुर के समीप मुस्लिम संत हजरत बाबा सईद ईसा की दरगाह है। प्रश्न संख्या 43, ताता पानी गर्म जल का स्रोत कहाँ स्थित है? ताता पानी गर्म जल का स्रोत कहाँ स्थित है? आपके आंसर हैं अंबिकापुर रामानुज मार्ग पर ताता पानी गर्म जल का स्रोत है, जहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गन आती है। प्रश्न संख्या 44, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है, जहाँ अबूझमाड़िया जनजाति का निवास सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 46, चैतुरगढ़ किस जिले में स्थित है? चैतुरगढ़ किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा कोरबा जिले में पाली के पास चैतुरगढ़ स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। लाफा चैतुरगढ़ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? इसका आंसर होगा रायपुर और जांजगीर चांपा में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 48, छत्तीसगढ़ में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपके विकल्प हैं, इसका आंसर होगा दुर्ग। दुर्ग में अधिकतम साक्षरता वाला जिला है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बीजापुर है। प्रश्न संख्या 50, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव है, कोंडागांव, तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला रायपुर है। प्रश्न संख्या 51, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 189 है।